क्लास सिक्स थ्री चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लास्ट चैप्टर हैव कवर्ड अबाउट नेपोलियन और उससे पहले हमने जॉर्ज वॉशिंगटन भी आई थिंक वी हैव कवर्ड जॉर्ज वॉशिंगटन देखा हमने ही लिबरेटेड अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दो कॉन्टीनेंट है टू कॉन्टीनेंट्स ऊपर वाले पोर्शन का नॉर्थ अमेरिका कहते हैं वहाँ एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लिबरेटर ऑफ दैट इट वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड जॉर्ज वॉशिंगटन आप पूरा पढ़ चुके डिटेल में जॉर्ज वॉशिंगटन जिसको लिबरेट कराया और वो इट वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री उसके बाद आप, आपने पढ़ा नेपोलियन के बारे में जो फ़्रांस में क्या क्या हुआ तो वहाँ पर किंग था किंग के सिस्टम को ख़त्म किया किंग बहुत ाल था और वहाँ अपने लोगों का ख्याल नहीं रखता था वहाँ तो ब्रिटेन ख्याल नहीं रखता था अमेरिकन का यहाँ पे किंग अपने लोगों का ख्याल नहीं रखता था तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट बना पीपल आई नो पीपल रिवोल्टेड एंड एक उसको बोलते हैं रिवोलूशन ब्रोक आउट और लोगों ने किंग को मार दिया एंड रिपब्लिक बन गया फ्रांस उसमें तीन वर्ड्स बहुत फेमस हुए लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो अब तक हमारे पेम्बल में भी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जो मूवमेंट अब शुरू हुआ था कॉलोनीज़म के खिलाफ मतलब कि कोई दूसरा कंट्री किसी और पे कब्ज़ा किया हुआ है इसके खिलाफ जो अमेरिका में एक वॉर शुरू हो गई थी जॉर्ज वॉशिंगटन इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए इंडिया भी इंस्पायर हुआ बाद में तो आप देखिए आप ये आपका अगर नॉर्थ अमेरिका है तो ये साउथ अमेरिका है दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है आप कॉन्टिनेंट रफली याद होगा आपको एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय इसमस आपको मालूम होगा इस इसमस का नाम है पनामा तो दुनिया में एक इसमस और एक स्ट्रेट बहुत फेमस है ये पनामा इसमस है जिब्राल्टर स्ट्रेट है वहाँ पे जो स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है अटलांटिक ओशियन को दिस इज़ ये अटलांटिक है ये आपका यूरोप है ये अफ्रीका है और इधर एशिया का पोर्शन है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है दिस इज़ वर्ल्ड मैप ये है यहाँ पे स्पेन पोर्टुगल है यहाँ पे ब्रिटेन है इधर तो ब्रिटेन का कब्ज़ा यहाँ पे था यहाँ पे है आपका यूएसए और यहाँ जो स्पेन है इसका कब्ज़ा इधर था ये स्पेन है Uh, इधर ब्रिटेन का कब्जा है तो ये कॉलोनी था ये गुलाम था यूएसए अमेरिका जो गुलाम था ब्रिटेन का और ये जो पोर्शन है साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में बहुत सारा कंट्री है ब्राज़ील आपने सुना होगा अर्जेंटाइना सुना होगा आपने कोलंबिया सुना होगा वेनेजुएला सुना होगा बोलीविया सुना होगा दीज आर ऑल दीज कंट्रीज़ यू कैन फाइंड ऑन द मैप इन साउथ अमेरिका ये नॉर्थ वाला पोर्शन है ऊपर ये साउथ वाला पोर्शन है तो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टीनेंट है इसमें आपको यहाँ पे वेनेजुएला है बोगोटा है कोलंबिया है और भी डिफरेंट कंट्रीज़ है आप उसमें देख लीजिए चिली है एंड आ, बोलीविया है यहाँ ब्राज़ील है और दे ऑल कॉल ये पूरा जो एरिया है आपका ये पूरा एरिया ये पूरा एरिया है ये आपको ग़ुलाम थे स्पेन के और स्पेन कहाँ पे? यहाँ पे। बीच में इसमें क्या है अटलांटिक ओशन है ये आप समझ जाइए आप कहाँ तो ये जो पोर्शन है ये ब्रिटेन का गुलाम है ये पोर्शन स्पेन का गुलाम है दोनों यूरोप के हैं स्पेन एंड ब्रिटेन दे आर फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू क्यों ऐसा था कि पूरा यूरोपियंस गुलाम बनाते आ रहे थे सबको ये हम लोग पढ़ेंगे एट क्लास में सेवन में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे एट में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता था तो स्पेन ने इसको गुलाम बना के रखा तो और बहुत सारे लोग यहाँ के ब्रिटेन के जो यहाँ पे सताए जाते थे, थे परेशान होते थे लेकिन थे ब्रिटिश वो यूरोपियन थे वो यहाँ आके सेटल हो गए थे यहाँ पे उन्होंने अपना अपना फार्म हाउस बना लिया था अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी थी उसी में एक फैमिली थी जॉर्ज वॉशिंगटन की दे वर एक्चुअली ब्रिटिश बट दे केम एंड सेटल्ड हेयर इन यू एस ए उसके बाद यूनाइटेड अमेरिका में सेटल हो गए थे बाद में जब देखा कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ ब्रिटेन की बहुत ख़राब हो गई यहाँ से वेल्थ लूट लूट के यहाँ लेके जा रहे हैं वन वे फ्लो हो गया वेल्थ का और यहाँ पे यहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं ट्रेड नहीं कर सकते हैं बहुत परेशानी हो गई रेस्ट कंडीशन हो गया तब क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन की फैमिली थी वहाँ की इसके दादा वगैरह थे यहाँ के लेकिन ये तो इनका तो रहना ही था तो इन्होंने यहाँ पर मिल लोगों को जमा किया और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू की एक्चुअल ही वॉज़ अ डिसेंडेंट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन ठीक ये क्लियर है उसी तरह स्पेन में आ जाते हैं तो स्पेन में भी ये सॉरी इसमें आ जाते हैं साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे लोग यहाँ आके बस गए थे यहाँ आर्मी में कुछ लोग थे यहाँ आके बस गए थे कुछ लोग ट्रेडर्स थे वो यहाँ आके बैठ बढ़ गए थे कुछ सेलर्स थे जो इधर से आते थे यहीं रह गए उनको यहीं अच्छा लगा अब इनकी फैमिलीज हो गई लोकल लोगों में शादी हो गई लेकिन इन्होंने देखा कि स्पेन का जो बर्ताव है जिसके ये ग़ुलाम बना के रखा हुआ है स्पेन ने स्पेन का जो किंग है वहाँ से रूल करता है इसको और रूल कर बहुत बुरी तरह से रूल करता है सिर्फ यहाँ का जो सामान है यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स है वो उसको यूज़ करता है अपना सामान यहाँ मार्केट में भिजवाता है लेकिन इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं करता है तो यहाँ के लोग भी और ये बहुत ही जालिम है स्पेन ब्रिटेन से भी ज़्यादा जालिम था इस्पेनियार्ट्स जो थे स्पेन याट्स कहते हैं तो ये लोग उससे भी ज़्यादा जालिम थे बहुत क्रूअल थे तो इनके मन में भी उठती थी एक बात के हम लोग काश ये लोग हट जाए इनका गुलामी से हम लोग को नजात मिले लेकिन कर नहीं पाते थे क्योंकि बहुत क्रोएली ये सप्रेस करते थे चीज़ों को और यहाँ पे कोई जॉर्ज वाशिंगटन के जैसा आदमी नहीं था तो यहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ इस जगह पे यहाँ ऊपर में एक जगह है कैराकस और ये जो एरिया है उसके नीचे है वेनेजुवेला एक कंट्री है यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था साइमन साइमन बॉलीवर जिसके नाम पर चैप्टर है ये बच्चा पैदा हुआ इसके भी पेरेंट्स एक्चुअली स्पेनिश थे स्पेनियाट्स थे वहाँ से यहाँ सेटल हो गए थे इसके दादा वगैरह आके और फिर ये इन्हीं के लोगों का होकर रह गया था तो इसको इस बात का एहसास होता था, था कि वी आर स्लेव ऑफ सम हम लोग मतलब इतना कुछ है हमारे यहाँ लेकिन हमारे यहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं है बताइए इतना बड़ा एरिया था यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं था वो जो पैसे वाले होते थे वो तो यहाँ आगे पढ़ते थे तो इतना ज़्यादा मतलब निगलेक्टेड था ये कमाते थे बहुत लेकिन निगलेक्ट करते थे इसको तो अब साइमन बॉलीवर जब बच्चा था तो जब इसको घर में ही पढ़ता था बहुत पैसे वाला था ये इसके फादर बहुत पैसे वाले थे तो ट्यूटर टु, टु, रख दिया था घर में टीचर रख दिया था तो घर ही पे पढ़ाई होती थी इसकी तो जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं पढ़ाई तो उसमें एक टीचर थे इसके रॉड्रिग्स एक टीचर थे जो इसको पढ़ाते थे और इसको कभी कभी बोलता था ना कि सर बोर हो रहे हैं तो कुछ किताब दे दिया करते थे पढ़ने के लिए तो यू गो थ्रू दिस बुक्स आप पढ़ो तो बहुत छोटे में वो किताब पढ़ता था उस किताब में जो बातचीत होती थी वो फ्रीडम के बारे में होती थी आज़ादी के बारे में होती थी कि हाउ टू इंसान को अपना फैसला खुद करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए किसी के अंदर दब के नहीं करना चाहिए समाज को अपना फ़ैसला खुद करना चाहिए प्रेशर में नहीं करना चाहिए इस तरह की बातें वो पढ़ता था स्टोरी बुक्स में जो उसके टीचर रॉड्रिक्स ने उसको दिया था तो बहुत छोटे में देता था इसको पढ़ने के लिए तो रॉड्रिक्स से ये क्वेश्चन आंसर रॉड्रिक्स इसका टीचर भी था एक तरह का सीनियर फ्रेंड भी था तो फ्रेंड से थोड़ा ऊपर मतलब टीचर से डिस्कस करता था बहुत सारी चीज़ें तो वो डिस्कस करता है एक दिन कि वेन विल वी बी फ्री हम लोग कब फ्री होंगे साउथ ये अमेरिका वाले साउथ अमेरिका वाले तो उसके टीचर ने कहा कि तुम लोग कभी फ्री नहीं हो पाओगे यहाँ के लोग हम लोग जो है कभी फ्री नहीं हो पाएंगे बोला क्यों बोला कि ये तो स्पेन जो है बहुत क्रूअल है और इसको हराना इसको हटाना बहुत आसान नहीं है तो उसी टाइम में इसने अपने टीचर से वादा किया था कि जैसे अब्राहम लिंकन ने एक बार देखा था एक लड़की बिक रही थी स्लेव गर्ल तो उसने अपने आप से वादा किया था अपने दोस्तों से कहा था कि वेनवर आई विल गेट अ चांस आई विल हिट दिस थिंग हार्ड वेरी हार्ड और उसने ख़त्म किया आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आप एक बार पढ़ चुके हो फिर एट्थ में जाओगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको उसी तरह इसने अपने आप से वादा किया अपने टीचर से वादा किया कि वेनवर आई विल गेट अ चांस आई विल मेक दिस हम कंट्री आर कंट्री फ्री मैं फ्रीडम के लिए ही काम करूँगा इसने अपने मकसद बना लिया था ज़िंदगी का तो ये मकसद जब बनाया तो इसके फादर बहुत पैसे वाले थे तो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बारी आई जब इतना बड़ा हो गया जैसे हम लोग कोटा जाते हैं दिल्ली जाते हैं कहाँ है। तो हम लोग इसलिए जाते हैं बाहर आमतौर पर कि बच्चा बाहर जाएगा मेडिकल करेगा इंजीनियरिंग करेगा क्यों करेगा ढेर सारा पैसा कमाएगा ढेर सारा जहेज लाएगा इसलिए करते हैं गाड़ी पे घूमेगा बड़ा सा घर बनाएगा आमतौर पे यही सोच है हम लोगों की कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं सर लोग आपको समझाते हैं कि भाई इंसान बनो मतलब मनी इज़ नॉट एवरी अभी देखो पता चल रहा है कोरोना पीरियड में तो साइमन बॉलीवर इस बात को समझता था वो हर चीज़ को मजाक भी नहीं लेता था टीचर की बात को सीरियसली लेता था वो उसने देखा कि फ्रीडम के लिए काम क्योंकि ऐसे वो एक एक, शायर हुए हैं उन्होंने कहा मेरे अहबाब क्या करें नुमाया कर गए बी हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गई ये भी ज़िंदगी है तो इंसान ऐसे कुत्ते भी ऐसे जीते हैं खाए पिए बड़े हुए बूढ़े हुए मर गए यू शुड चेंज समथिंग कुछ बेटर करो समाज के लिए ये इसकी सोच वैसी हो गई थी तो जब बात हुई इसके फादर के पास पैसा था कि अभी कोटा भेजें मेडिकल करेगा क्या करेगा वॉट विल ही डू नाइन्टी परसेंट स्कोर एंड ऑल दैट तो इसने सोचा कि नो आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी फॉर मनी फैन ऑल दैट आई विल स्टडी सो दैट आई कुड फाइट फॉर फ्रीडम जैसे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स गए बाहर महात्मा गांधी गए लोग गए पढ़ने के लिए गए लॉय लौ, लॉयर बने जाके ताकि हम कानून को समझ पाएँ फिर यहाँ पर फ्रीडम के लिए लड़ पाएँ तो इसने भी बोला कि वॉट विल बी द बेस्ट ऑप्शन तो वी विल स्टडी लॉ तो मैं जो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पर आऊँगा तो स्किल सीख के आऊँगा बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाऊँगा या मैं बहुत बड़ा फला सेटअप करूँगा बहुत पैसा हो जाएगा बहुत फार्म हाउस हो जाएगा तो नहीं आई विल वर्क फॉर फ्रीडम और उसके लिए मुझे जो डिग्री हेल्प करेगी उस टाइम में उसने जो सोचा वो लॉ की डिग्री हर आई विल बी अ लॉयर आई विल नॉट बी अ लायर मेनी ऑफ द लॉयर्स आर लायर्स ठीक है ना तो डोंट ट्राई टू बी लायर्स बी लॉयर्स देर आर गुड लॉयर्स तो ही वॉन्टेड टू बी लॉयर लाइक महात्मा गांधी लाइक और भी जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उसके जैसा वाई डिड यू वॉन्ट टू स्टडी लॉ बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइट फॉर हीज एरिया फ्रीडम फ्रॉम स्पेन उसके टीचर ने बोला था कि इज वेरी क्रूअल तो ही वेंट टू जब स्पेन गया मैड्रिड गया वहाँ पे यहाँ पे एक जगह है मैड्रिड कैपिटल है उसका वहाँ गया बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी वेनेजुएला में क्यों नहीं पढ़ पाया कि तो पैसा तो कमाते थे स्पेन के अंडर स्पेन ने यहाँ पे कुछ भी यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ बना के नहीं रखा था कॉलेज वगैरह अच्छा तो ताकि सब लोग नहीं पढ़ पाएँ देखिए ये मकसद है कि पढ़ाई नहीं कर पाएँ पढ़ लीजिएगा तो आप चीज़ों को जान जाइएगा इसीलिए अभी भी देखिएगा इस पीरियड में भी कोरोना पीरियड में भी सबसे कम डिस्कशन जो दुनिया में हो रहा है वो पढ़ाई पर ही हो रहा है नो वडी वॉन्स यू टू स्टडी इट्स अप टू यू क्या आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं तो यहाँ के लोगों को चाहता था जितना जाहिल रखोगे उतना फ़ायदा है उतने दिन तक स्पेन के खिलाफ इस्पेन इनको बोलता था कि तुम लोग शैतान के बच्चे हो स्पेन याट्स इनको कहते थे तो हम लोग खुदा के बच्चे हैं हम लोग वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड यू आर चिल्ड्रन ऑफ डेविल तुम लोग शैतान के बच्चे हो तो हम लोगों को भेजा गया है कि तुम लोगों को रूल करेंगे क्योंकि तुम लोग इंसान तो हो ही नहीं तो इस तरह से डि मतलब डिग्रेड नीचे समझते थे इसको नीचा एक तो डेवलपमेंट वर्क नहीं करते थे प्लस इनको लुक डाउन अपॉन देम लुक डाउन मतलब ये होता है किसी को नीचा देखना कि नीच हो तुम घटिया हो तुम मेरे लेवल के नहीं हो ये इसको ऐसा समझते थे कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड दे आर चिल्ड्रन ऑफ़ डेविल तो इन्होंने यहाँ पे कुछ भी बना के नहीं रखा था कि पढ़ने लिखने की जरूरत है ये सोचते थे कि सिलेब भी रहे हैं लेबर रहे लोग मैकेनिक रहें बस पंक्चर बनाते रहें कुछ अच्छा नहीं करें तो ये जब वहाँ गया तो वहाँ पर लाइफ देखा इसने पैसा बहुत था इसके पास तो बहुत ही ला। कुछ लोग जाते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं और अपना मकसद ही भूल जाते हैं किस लिए आए थे वहाँ का रोशनी देखी वहाँ का मार्केट देखा मॉल देखा और उसी में खो गए मोबाइल ले लिया एंड ऑल दैट फिर हेयर स्टाइल चेंज किया फिर कलर्स करवाया फिर घूमने लगे और फिर पैसे भी मंगाने पेरेंट्स से फिर भूल गए कि क्या करने आए थे और ख़त्म हो गए पाँच साल के बाद तो साइमन बॉलीवर भी गया तो उसको भी वैसा ही लगा है छोटे जहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं हो कॉलेज गए वहाँ बच्चा चला गया सीधा कैपिटल इसके लिए तो एक बिल्कुल पता नहीं एक शौक लगा होगा कहाँ पहुँच के दुनिया में ऐसी भी जगह है तो उसको बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे ही फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट लेकिन ही नेवर लॉस्ट फोकस वो बार बार अपने आप को खींचा के देखो तुम किस लिए आओ वहाँ पे यू हैव नॉट कम हेयर टू इंजॉय ऑल दिस यू हैव कम हेयर फॉर अ पर्पस और उस पर्पस के लिए गया और उसने वहाँ पे खूब स्टडी किया ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग खूब पढ़ा वहाँ के दुनिया में खो नहीं गया वो ही स्टडीड ही स्टडीड लॉ लॉट सारी किताबें पढ़ डाली रिवोल्यूशन पढ़ दिया और उसी में उसने अमेरिका को भी पढ़ दिया उससे पहले यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन का केस हो चुका था उन्होंने अमेरिका को लिबरेट करा दिया तो ही रेड अबाउट अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन वापस जब आया है वहाँ से वो स्पेन से जब वो लौटा है तो इधर से लौटा डायरेक्ट नहीं आया फर्स्ट इवेंट टू अमेरिका वहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन के पास उधर वहाँ पे गया उसके अमेरिका को देखा वहाँ समझा तब वहाँ से आया क्योंकि उसकी किताब वहाँ पे पढ़ ली थी उसने उसके बारे में पढ़ लिया था उसने कि कैसे हाओ ही बहुत हीरो मानता था जॉर्ज वाशिंगटन को अपना कि मतलब एडमायर करता था उसको कि वैसे ही बनना चाहिए मुझे भी मैं भी इसने इतना बड़ा काम किया ब्रेवली किया ब्रिटेन को हरा दिया वैसा ही मैं यहाँ कुछ करूँगा लेकिन इसमें और इसमें एक दिक्कत थी जॉर्ज वाशिंगटन जो था बहुत बड़ा सोल्जर था जनरल था फाइटर था ब्रिटेन के साथ भी लड़ चुका था जनरल ब्रेडॉक के साथ काम कर चुका था उसको सजेशन दे चुका था तो इसको तो लड़ना फ्रांस का हेल्प लेना एंड ऑल दैट बहुत आसानी से आता था इसने वो काम कर लिया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही कुड डू ऑल दैट बिकॉज ही वॉज वेल एक्सपीरियंस इन दैट साइमन बॉलीवर के साथ प्रॉब्लम था कि पूरे खानदान में कोई सोल्जर नहीं था ही वॉन्टेड टू बी लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन बट ही वॉज नॉट अ सोल्जर वो चाहता था कि लड़ लें चाहता था कि हरा दें बट सोल्जर था ही नहीं कभी लड़ाई नहीं था जनरली नहीं था ये किताब पढ़ा था लेकिन बहुत सारा तो किताब आपको है ना नुकसान नहीं होता पढ़ना वो आपके डायमेंशंस खोलता है रास्ता निकालता है तो लेकिन एक चीज़ इसके अंदर हार मानने वाला नहीं था और टीचर इसको दोबारा मिल गया था ये रॉड्रिक्स इसको दोबारा मिला था इसने डिस्कस किया था उसके बाद अभी तक तुम्हारा वो फ्रीडम वाला चीज़ ख़त्म नहीं हुआ बोला नो सर आई विल डू दैट तो ही वेंट देयर बाद में ये गया यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ आने के बाद इसने वहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन और इनके लोगों से जो मिला वहाँ से वो समझा और वहाँ से लोगों को जमा करता हुआ आया कुछ ज़्यादा लोग जमा नहीं हुए थे छः सात लोग ही जमा हो पाए जमात हो गए और यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है कैराकस उसने उसको ट्रेनिंग दिया खुद भी ट्रेन हुआ अपने आप कोई आर्मी वार्मी के लोग रखे और वहाँ पे छोटा सा स्पेन का एक चौकी था पुलिस चौकी जैसा होता ना उससे थोड़ा बड़ा था कब्जा था वहाँ मार पीट करके सबको भगा के और कुछ लोगों को मारा भी तो एक छोटी सी लड़ाई हुई छोटा सा बैटल हुआ और उसने कैराकस के टाउन को इसने खाली करा लिया स्पेन वालों से और खूब एकदम बिल्कुल बादशाह की तरह एंटर किया एक टाउन में और लोगों ने चिल्लाया कि हमारा लिबरेटर आ गया है एल लिबराटेड ऐसे बोलते थे वो लोग उस लैंग्वेज में और लिबरेटर आ गया और इसको ही फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट कि ओ आई एम द वन मैं ही जॉर्ज वाशिंगटन हूँ लेकिन ये तो बहुत किताब उताब पढ़ा हुआ था जाहिल तो था नहीं क्वालिफाइड था बहुत इसको समझ में आ गया कि भाई ये क्या है मतलब छोटा सा एक टाउन है इस पर किए एंड पीपल आर चेयरिंग मी लाइक आई एम ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे मैं एकदम जॉर्ज वाशिंगटन बन गया हूँ तो इसको अपना एहसास हुआ कि देखो मेरे पास छः सौ सात लोग हैं और ये इतना क्रुवेल लोग इतने बड़े लोग इससे मैं कैसे लड़ूंगा हाउ वुड बी फाइट डेम तो इसने इसको उसका डर सही साबित हुआ दो तीन महीना भी नहीं हुए थे स्पेन की फौज आई मार पीट के सबको भगा दिया ऐसा भगाई कि यहाँ से ही निकाल दी कॉन्टिनेंट से ही निकाल दी पूरे भाग यहाँ से भागो यहाँ से तो क्या भाग गया वो अब देखिएगा एक लड़का जिसने सोचा था और फिर कैसे कम करता है वो अभी इस एरिया में कम के नीचे यहाँ पे कंट्री है उसका नाम इसी लड़के के नाम पे है बोलीविया बोलीविया इज़ डेम्ड आफ्टर बोलिवर क्योंकि वो भागा तो हार नहीं माना स्ट्रेटजी चेंज कर दी डरा नहीं वो उसको मालूम था कि मेरे मेरे, 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 मेरे ये मिस्टेक हो गई बच्चा जो फेल हो गया कोई सब्जेक्ट में डिप्रेस हो जाता है मैं फेल हो गया जो कलमंद होता है वो देखता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे अच्छा ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे जिस दिन इसको पढ़ना था उस दिन मैं फिल्म देखने चला गया था उस दिन मैं यूट्यूब पे कुछ और कर रहा था इसका मतलब मैं उस दिन वो कर लूँगा तो मेरे से हो जाएगा तो वो अपने आप को संभालता है तो ऐसा ही था ये भाग नहीं गया बोला भाग के काम हमको एक काम करना है इस काम में तो ये होना था तो ये भागा है और उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये भागा तो कहाँ गया फिर कहाँ ठहरा फिर कैसे इसने फ़ौज को जमा किया और कैसे इस पूरे इसको एक कंट्री का लिबरेटर नहीं कहा जाता है कॉन्टिनेंट को लिबरेट कराया है इसने स्पेन से आप अभी आगे नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में बताऊँगा कि आप आपके होश उड़ जाएंगे जब इसका इसके आप सुनोगे इसकी कहानी उससे पहले थोड़ा स्पेन का क्रुअलिटी का बता दें तो स्पेन में बहुत क्रूएल थे बहुत मजाक उड़ाते थे बोलते थे चिल्ड्रन ऑफ डेवी लो एंड ऑल दैट बीच में आपको मालूम होगा कि फ्रांस में सरकार चेंज हो गई थी फ्रांस में यहाँ पे यहाँ पर फ्रांस है यहाँ नेपोलियन आ गया था आपको मालूम होगा और इस टाइम में स्पेन के किंग को डीथॉर्ट कर दिया गया हरा दिया गया था स्पेन का जो किंग था जो यहाँ रूल करता था उसको वहाँ हरा दिया गया हरा दिया गया तो ये एरिया जो है वेनेजुएला के लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारा कोई नहीं रहा कोई हमारा किसी का रूल नहीं रहा मेरे ऊपर तो ऐसा हुआ फिर कुछ दिन के बाद नेपोलियन हार गया आपने पढ़ा होगा नेपोलियन हार गया नेपोलियन हार गया तो फिर ये किंग दोबारा यहाँ बन गया तो इसके लोग यहाँ पर आए और उसी टाइम में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा अब देखिए क्या किया था लोग अर्थक्वेक आया था बहुत बहुत बर्बादी हुई थी उस पूरे एरिया में तो ये किंग के लोग वहाँ से आए और एक बहुत बड़ी यहाँ के वेनेजुएला के जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो बड़े बड़े लोग थे जो नॉबल्स थे इस समाज के सबका एक बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया इन लोगों को लगा कि शायद मीटिंग बुला रहा है तो ये अर्थ को से जितना बर्बादी हुई है ना उसके बारे में कुछ प्लान होगा इनका आँख खुल गया कि देखो ये किंग के खिलाफ हो गए थे लोग नेपोलियन ने जब वहाँ पर हटा दिया था तो ये लोग इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिए थे तो शायद कुछ हमारे लिए कुछ पर्स होगा कुछ ले आए होंगे कुछ ये क्या बोलते हैं जो सैलाब के बाद जो पाँच हज़ार रुपये मिलता है उस टाइप का भी कुछ लेकर आए होंगे ये लेकिन सबको मीटिंग करने के बाद वो आया और बोला कि देखो तुम लोगों ने जब नेपोलियन जब हमारा वहाँ किंग को हटा दिया गया तो तुम उसके खिलाफ तुमने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि नाउ वी वॉन्ट बी रूल्ड बाई स्पेन यार्ट्स तो देखो खुद हम लोग तो वी आर चिल्ड्रन ऑफ़ गॉड तुम लोग यू आर चिल्ड्रन ऑफ डेविल देखो खुदा ने तुमको कितनी ज़बरदस्त सजा दी कि तुमको हिला दिया पूरा इस तरह से करके इनका मज़ाक उड़ाया भी गालियाँ दी इनको भेज दिया मतलब इनके मरहम लगाने के बजाय जो इनके ज़ख़्म पे और नमक छिड़क दिया इन लोगों ने तो इस तरह के क्रूअल लोग थे फ्रांस के बारे में पढ़ा था नहीं कितने क्रूअल थे कि उसको बोला गया कि खाने को नहीं है तो बोले केक क्यों नहीं खाते हैं तो यहाँ के लोग ये थे कि अर्थ कोयक आया सपोर्ट करने के बजाय इनका मजाक उड़ा के चले गए बोले तुम लोग शैतान के बच्चे हो इसी तुम लोगों के साथ खुदा ने ऐसा कर दिया बदला ले लिया तो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ से इसको भगाया गया है कैराकस में जब हमला हुआ है कब्जा किया है और जब इसको भगाया गया है तो ये कहाँ गया कैसे इसने आर्मी को जमा किया और उसके बाद कैसे उसने पूरे कॉन्टिनेंट को लिबरेट कराया है शॉर्ट में ही इज़ कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ साउथ अमेरिका ही इज़ कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ़ इंटायर कॉन्टिनेंट अ कंट्री इज़ नेम्ड आफ्टर हिम ही इज़ कॉल्ड जॉर्ज वॉशिंगटन ऑफ साउथ अमेरिका इनको ये भी कहा जाता है जॉर्ज वॉशिंगटन कहा जाता है एंड uh, इसको uh, यहीं तक हम लोग रखते हैं कि पढ़ने के लिए कहाँ गया ये अर्ली लाइफ में कैसा था रॉड्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ में ये सब क्वेश्चन आएगा हु वॉज़ रॉड्रिक्स वाई वॉज़ ही सो इम्पॉर्टेंट बचपन में क्या सोचा था पढ़ाई कैसे किया तो एक बार आप रीड भी कर लीजिएगा बुक यहाँ तक पोर्शन कैराकस के कब्जे तक आप इसको अच्छे से पेज नंबर थर्टी आप पेज नंबर थर्टी टू तक आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा थर्टी टू के नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दैट आई विल शेयर उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे उसने फाइनली फौज को जमा किया और फाइनली ही वॉज एबल टू डिफीट द स्पेनियर्ट्स थैंक यू